हम देख रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टाइप टू बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। अभी उसका हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एट एक्स प्लस एट वाई। अभी इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे चारों के चारों टर्म में से आप कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते हो, मतलब ऐसी कोई टर्म जो चारों में से कॉमन निकलेंगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये चार टर्म्स के दो दो के ग्रुप्स बनाते हैं। ये मेरा पहला ग्रुप, ये हो गया सेकेंड ग्रुप। अभी हम क्या करेंगे, पहले ग्रुप में से एक नंबर कॉमन निकालेंगे और दूसरे ग्रुप में से भी एक नंबर कॉमन निकालेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में आप एक्स कॉमन निकाल सकते हो, ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस वाई। इन द सेम मैनर फ्रॉम सेकेंड टर्म यू कैन टेक एट एज कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस वाई। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पे दोनों इसमें एक्स प्लस वाई टर्म कैसे हैं, कॉमन है। वी विल टेक दिस टर्म एज कॉमन एंड दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचता है, अगर x प्लस वाई कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 8 बचेगा। तो बाय ग्रुपिंग दिस नंबर्स वी कैन फैक्टराइज इट। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एट वाई एट एक्स प्लस एट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इन वन ब्रैकेट एंड x प्लस एट इन अनदर ब्रैकेट। ओके, हम इस ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास है 15xy प्लस 6x प्लस 10y माइनस 4। ओके, अगेन चारों में से कुछ कोई नंबर कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम यही ग्रुप बनाएं कि पहले दो नंबर्स का एक ग्रुप और दूसरे दो नंबर्स का एक ग्रुप, लेकिन हमें ऐसे ग्रुप्स बनाने होते हैं कि जिसमें से आपको जैसे इस प्रॉब्लम में एक कॉमन हमें ब्रैकेट मिला है वैसे निकलने चाहिए। ठीक है, तो अभी जैसे हम पहले इन दोनों को एडिश करके देखेंगे, अगर नहीं होता है तो हम इसको क्या करेंगे, रीग्रुप करेंगे। लेकिन पहले सपोज मैंने इन नंबर का एक ग्रुप बनाया, क्या मिलेगा आपको, 15 और 6, दो नंबर में से 15 और 6 इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा इसमें से। कॉमन मतलब हम क्या निकालते हैं, इनका जो एच सी एफ है दोनों में का, वो हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर निकालते हैं 15 और 6। 15 के कॉमन फैक्टर से 3 × 5 और 6 के कॉमन फैक्टर से 3 × 2, इनमें से कॉमन निकलता है 3। अगर मैंने यहाँ से 3 और दोनों टर्म्स में x x प्रेजेंट है तो हमने x भी क्या किया, कॉमन निकाला। यहाँ से 3 कॉमन निकाला, बचा क्या 5x कॉमन निकला है, तो y 5y प्लस 3 × 2 = 6। ओके, इन द सेम मैनर प्लस, अभी 10 और 4, 10 मतलब 5 × 2 = 10 और 4 मतलब 2 × 2 = 4 है ना, तो यहाँ पे भी आपको एच सी एफ मिलेगा इसका 2, 2 आपने कॉमन निकाला, बचा क्या 10 में से 2 कॉमन निकाला, बचा क्या 5y। एक मिनट, यहाँ पे प्रॉब्लम में यहाँ माइनस का साइन दिया हुआ है, मेरी गलती। ओके, तो यहाँ पे -2। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे 5y माइनस 2 दोनों जगह पे कॉमन है, 5y माइनस 2 कॉमन निकालो, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गई फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम देखते हैं 18 नंबर का। क्यू आर माइनस पी आर प्लस क्यू एस माइनस पी एस। अब ये प्रॉब्लम में फिर से दो दो नंबर्स के ग्रुप बनाने हैं आपको। ये बना मेरा पहला ग्रुप जिसमें से आप आर आर कॉमन निकाल सकते हो, ये बना मेरा दूसरा ग्रुप जिसमें से आप एस एस कॉमन निकाल सकते हो। इक्वल टू आर कॉमन निकाला, बचा क्या पी माइनस क्यू प्लस यहाँ पे एस कॉमन निकाला, बचा क्या क्यू माइनस। ठीक है, अभी यहाँ पे पी माइनस क्यू है, यहाँ पे क्यू माइनस पी है, दोनों सेम है क्या, नहीं। तो अभी जो मेरे पास क्यू माइनस पी है इसमें से अगर मुझे पी माइनस क्यू करना है, मतलब मैंने अगर इसको सीधा किया तो ये बनेगा माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है ना, लेकिन अभी यहाँ से जैसे ये माइनस पी है, माइनस पी यहाँ पे प्लस क्यू को मैं माइनस ऑफ माइनस क्यू लिख सकती हूँ, है ना। तो अगर माइनस साइन कॉमन निकला तो यहाँ पे मुझे टर्म मिलेगी पी माइनस क्यू।
तो ये जो सीधा है मेरा p माइनस क्यू, क्यू माइनस पी को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने ये यहाँ पे किया तो मुझे मिलेगा r, पहला ब्रैकेट एज इट इज़ p माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस का साइन है, मैंने माइनस का साइन कॉमन निकाला, मैं ब्रैकेट में डाल रही हूँ इसको, s ब्रैकेट में आएगा p माइनस क्यू। ये प्लस माइनस जो है मैं इतने डिटेल में देख रही हूँ क्योंकि ऐसा पहले टाइप का प्रॉब्लम है। r ब्रैकेट में आएगा p माइनस क्यू, प्लस माइनस माइनस होता है, s ब्रैकेट में अगेन आएगा p माइनस क्यू। तो ये क्या होगा, p माइनस क्यू एक ब्रैकेट में और r माइनस s दूसरे ब्रैकेट में। ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ योर गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और एक प्रॉब्लम देखते हैं, 19, ए बी माइनस ए प्लस बी प्लस वन, सॉरी ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस वन इक्वल टू, फिर से दो नंबर का ग्रुप करें, ये पहला ग्रुप ये दूसरा ग्रुप, ए बी माइनस ए में से ए कॉमन निकला, बचा क्या b माइनस वन माइनस, अभी यहाँ कॉमन निकालने लिए के लिए कुछ भी नहीं है अपने पास, तो मैंने यहाँ पे वन कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर डाला, यहाँ से b एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन, अभी यहाँ पे देखिए आपने ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन भी कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर के साइन आप क्या करते हो, चेंज करते हो, मतलब यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस वन। देखिए आपके प्रॉब्लम में आपको कॉमन ग्रुप मिला b माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में क्या मिला आपको a माइनस वन, ठीक है। आई होप आपको ग्रुपिंग द टर्म्स की मेथड समझ में आ गई होगी। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करने के लिए देती हूँ, आप ट्राई करके देखिए, अगर नहीं आया तो मुझसे पूछिए। वन प्लस एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, 21 ट्वाइस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ट्वाइस ए वाई प्लस बी वाई, 22 ए एक्स वाई प्लस बी सी एक्स वाई माइनस ए जेड माइनस बी सी जेड, 23 ए एक्स प्लस ए वाई माइनस बी एक्स माइनस बी वाई, 24 सिक्स एक्स वाई प्लस सिक्स माइनस नाइन वाई माइनस फोर एक्स, और 25th प्रॉब्लम लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स वाई प्लस एक्स माइनस इलेवन वाई। ज़रूर प्रैक्टिस करके देखिएगा।